70 साल तक हमने पब्लिक फाइनेंस का कोई लॉ नहीं बनाया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहती थी वो कर देती थी। अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट लॉ में पार्लियामेंट के सामने उनको रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी कि ये आपका बजट डेफिसिट टारगेट था, ये आपने क्यों नहीं हासिल किया, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी वहाँ पर। और जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो डेलीगेट करेंगे मिनिस्ट्रीज को, सारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास नहीं होगी। ट्रेजरी रूल्स जो हैं, जो 1950 से चले आ रहे हैं, उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज हैं, और FBR है, जो कि पूरी तरह से हमारी जो रेवेन्यू की पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो है कि इन इदारों को हम रिफॉर्म करें, रीस्ट्रक्चर करें, इनको जो इनमें खराबियां हैं उनको ठीक करें, इनको अपने पाँव पे खड़ा करें और ये एफिशिएंट और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बन जाएं। आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक ऑटोमेटेड एंड टू एंड सॉल्यूशन है कि आप अपने इंफॉर्मेशन भरेंगे सिस्टम में, कंप्यूटर पे, और आखिर में आपका जो रिफंड का क्लेम है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा, किसी इदारे के FBR के मुलाजिम के थ्रू आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब यही हम इनकम टैक्स में करने वाले हैं, ताकि आदमियों जो हमारे लोग हैं जिन्होंने रिफंड अपने सालों साल से नहीं दिए, 2014 से नहीं मिले हैं, उनको हम ये रिफंड जो है वो देने जा रहे हैं। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे ये था कि ACR लिख दी जाती थी, जो पसंद आया उसको बहुत हाई नंबर दे दिए, और जो नहीं पसंद आया और जिससे ने सलाम नहीं किया सुबह, उसकी ACR जो है ख़राब हो जाती थी। अब जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें हर एक के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और एक कमेटी बैठेगी, वो इवेलुएट करेगी कि इसने इंडिकेटर्स जो हैं वो किए हैं पूरे के नहीं किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।